अगर 10 मर्दों के बराबर ताकत पाना चाहते हो तो ये तीन काम लाजमी करो। नाज़रीन, जब मर्द औरत की शर्मगाह में नफस डालने से पहले इसके जिस्म को चूमता है तो औरत मर्द की इस हरकत पर फिदा हो जाती है। इससे मर्द की मनी भी नहीं निकलती और औरत को भी भरपूर मजा मजा है। जब मर्द हमबिस्तरी से पहले औरत के जिस्म को चूमता है, चाटता है, तो इससे औरत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। अगर कोई मर्द 10 मर्दों के बराबर ताकत पाना चाहता है और चाहता है कि औरत इसके सामने रोने लग जाए और जिंसी तौर पर मुतमईन हो जाए, तो मर्द को चाहिए कि हमबिस्तरी के दौरान तीन काम लाजमी कर ले। नंबर एक, तेल से नफस की मालिश करे। अगर 10 मर्दों के बराबर ताकत बनाना चाहते हो तो हमबिस्तरी से पहले अपने नफस की मालिश करने से मर्द का नफस तरोताजा और टाइट रहता है। नफस की रगें मजबूत और ताकतवर होती है। नफस का साइज भी बढ़ जाता है और नफस के मसल्स इंतहाई मजबूत और ताकतवर हो जाती है, जो मर्द के नफस को घंटों के लिए आसानी से अकड़ा रखती है। तीन किस्म के तेल लगाकर नफस की मालिश करना इंतहाई मुफीद है। एक सौंफ के तेल, दो जैतून के तेल, तीन सरसों के तेल। नंबर दो, मुश्त जनी मत करना। अगर 10 मर्दों के बराबर ताकत चाहते हो तो कभी भी मुश्त जनी मत करना, क्योंकि इससे इंसान की कमर और टांगें कमजोर हो जाती है। टांगों और कमर में दर्द होने लगता है। मुश्त जनी करने से मर्द की नजर कमजोर हो जाती है, नफस के रगें कमजोर हो जाती है। अगर कोई मुश्त जनी करता है तो उसके हाथ की रगड़ से नफस जख्मी हो जाता है। फिर हम बिस्तरी के दौरान नफस जल्दी ढीला होता है और मर्द की टाइमिंग इंतहाई कम हो जाती है। अगर मर्दाना ताकत चाहते हो तो कभी भी मुश्त जनी मत करना। नंबर तीन, हम बिस्तरी में मियाना रानी करना। अगर 10 मर्दों के बराबर ताकत पाना चाहते हो तो हम बिस्तरी में मियाना रानी करो। अगर कोई मर्द रोजाना 3 मर्तबा हम बिस्तरी कर सकता है तो उसे चाहिए कि 1 मर्तबा हम बिस्तरी करे। अगर कोई मर्द रोजाना 1 मर्तबा हम बिस्तरी कर सकता है तो उसे चाहिए कि दूसरे दिन हम बिस्तरी करे। अगर औरत 5 मिनट में फारिग होकर घंटी होती है तो मर्द को चाहिए कि 5 मिनट हम बिस्तरी करे। इससे ज्यादा ना करें, क्योंकि इससे फिर मर्द की ताकत खत्म हो जाती है और मर्द जिस्मानी तौर पर कमजोर होने लगता है।